गुंडागर्दी का युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गांव से गेहूं का कट्टा लेकर लौट रहे युवक को पुलिस की ओर से अग्रसेन चौराहे पर रोका गया और बिना कुछ कहे वर्दी की नशे में चूर एक उप निरीक्षक ने युवक की बेरहमी से पिटाई की, जिससे युवक काफी गंभीर चोटें आई। युवक को आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच पुलिस पर लगातार मनमानी चालान वसूलने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। गांव के लिए निकला था गेहूं का कट्टा लेने के लिए, तो उधर से गेहूं का कट्टा जब लेकर मैं आ रहा था तब अग्रसेन चौराहे पर चेकिंग चल रही थी, तो वहां पर सुमन एक एसआई सिटी थाने के, तो उन्होंने मेरे को रोक लिया। तो मैंने बोला कि सर मैं कट्टा आटा ख़त्म हो गया, तो आटा ले गेहूँ लेकर घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने इतने भी बात नहीं सुनी, उन्होंने मेरे में डंडा देना चालू कर दिया। क्या हुआ उसमें? उसमें दोनों पैर, एक पैर में तो वजन नहीं ले पा रहा मैं कहीं कैसा ही, और एक और पैर ऐसा ही है, और पीछे पीठ वगैरह सारे में ही दर्द हो रहा है। उन्होंने बेरहमी से डंडा दिया था। क्या भी फोन आया था कि कार्रवाई करेंगे, जो दंडनीय अपराध किया उसके लिए उसे कार्रवाई करेंगे, क्षमा माफी की जाएगी उसकी। और सूचना मेरे को 2-3 दिन से मिल रही थी, और प्रशासन का रवैया बहुत ही मतलब नकारात्मक है। अगर प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराना चाहता है तो उसके और तरीके हैं। आप बगैर मास्क के लोगों पर फाइन लगा रहे हो, 100 रुपए के फाइन की जगह पर आप कितनी अवैध वसूली कर रहे हो।